तो गाइस हम लोग आ गए हैं सामान लेने। सेंट कितने का हो? भैया ने क्या लिया है? भाभी के लिए अभी लेने आया सामान। नहीं, वो एक काला वाला में छोटा बच्चा के चाहिए, सियाना नहीं के चाहिए। और ये हमारे दुकानदार भाई साहब। हाँ जी, और ये लिया है फ्रेंड मेरा। थोड़ा देखिए, वहाँ से का पैसा नहीं इसमें जा रहा है। क्या बात है यार, मधुबनी के। और आप कहाँ के? हम भी मधुबनी के हैं। ये दोनों भैया मधुबनी के, अभी हमको मिले पटना पार्किंग में। और आज हम लोग खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया बताइए? रोटी बीन्स का भुजिया। बीन्स का सब्जी खाए थे लेकिन भुजिया बना रहे भैया। भुजिया, और इससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमको ये बनाने ही नहीं आता है, इसलिए आज भैया ही बनाएंगे। क्या खाली खाने आता है? खाली खाने आता है। बहुत लोग में कमेंट में हमको बोल रहे हैं कि भैया आप चावल बहुत खाते हैं, अब उनको क्या बताएं कि हमको रोटी बनाना ही नहीं आता है। आज रोटी बनाएंगे। राम राम दोस्तों, स्वागत है सभी भाई को मेरे एक छोटा सा फिर से ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि मेरा ट्रिप चला था तमिलनाडु से पटना का, और इसी बीच में मेरी गाड़ी हो गई थी खराब पिछले ब्लॉग में आप देखें, इसके कारण मेरा लेट हो गया। सभी मेरे सब्सक्राइबर भाई जो हमें ये वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से प्रणाम, और मेरे भाई सब भी भाई सपोर्ट करते रहिए। अभी हमको बहुत आगे लेके जाना है, आप लोगों को दिखाते रहेंगे पूरा भारत। फिलहाल मैं अभी पटना में आ चुका हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, इतना धूप है फिर भी यहाँ पर मैं अपना कम्बल वाला टांग दिया हूँ। और खाना तो बनाया नहीं क्योंकि पानी का दिक्कत है, दही लेके आया हूँ और चूड़ा दही खाएंगे आज। इससे पहले मेरा दोस्त आया था जो हमको गन्ना के जूस पिलाने के लिए लेके गया था, उसके साथ गए थे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताया कि मेरा 10,000, तो पहली बार मैं आज इतना खुश हूँ भाई कि मेरा 10,000 सब्सक्राइब। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरा फॉलोअर्स बढ़ रहा है और लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब फॉलो करते रहिएगा, थैंक यू। तो अब मैं चूड़ा दही खाऊँगा भाई, आप लोगों को मिलता हूँ चूड़ा दही खाने के बाद। फिलहाल मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पुराने के लिए सबको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम खा रहे चूड़ा दही भाई। चूड़ा दही खाने से बहुत फ़ायदा होता है, चूड़ा है, ज़्यादा चूड़ा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मतलब दही ज़्यादा रखने पर चूड़ा खाने के बाद मज़ा आता है, ज़्यादा चूड़ा खाना चाहिए। जिसके पास पेट बड़ा वो ज़्यादा खाएगा, मेरे पास पेट बहुत टंकी मेरा छोटा है बोले तो, इसलिए मैं बहुत कम खाता हूँ। इसमें पहले पानी डालूँगा मैं, पानी डालने के बाद इसको बाहर फेंक देता हूँ दोस्त, गंदा पानी को निकाल देता हूँ। इसके बाद मैं फिर पानी डालूँगा हल्का सा। दही चूड़ा खाने का एक अलग मज़ा है। ये रहा मेरा दही, यस, बहुत तगड़ा है, ये मज़ा है दही में। ये है चीनी, और ये होगा तो और ले लेंगे। और पहले थोड़ा टेस्ट मारता हूँ कैसा लग रहा है। मस्त दही है, खट्टा नहीं है। तो गाइस अभी हम मार्केट से आए हैं और बहुत सारा सामान लेकर आए। इधर मेरा अंगूर है, अभी संतरा, केला, इधर बीन्स अपने सब्जी के लिए, और टमाटर, मकई, बहुत सारा सामान लेकर आए। इधर तो एक यूनिक चीज़ है ये, आपके इधर जो देख रहे हैं हमारे मतलब दूसरे स्टेट से वो बताइएगा कमेंट करके आपके इधर इसको क्या बोलते हैं। मेरे इधर तो इसको सोयजन बोलते हैं। वाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा गाइस, जो भी फल मार्केट से आपको धोके खाए, मैं थोड़ा छुद्दर हूँ उसके लिए खा लिया हूँ। पहले हाथ पैर धोकर पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ आगे खाना बनाएंगे। मेरा दोस्त आ रहा है, वही सब्जी आज बनाएगा। मेरा दोस्त मिल जाता रास्ता में, डेली दोस्त बनता है वो, मेरा फॉलोवर्स है, वो हमको फॉलो किया हुआ था पता नहीं था, फिर मुझे से मिला और मेरा आईडी देखा तो कहा अच्छा आप है। आज हम रोटी बनाएंगे, इसके मारे हम चावल बनाते हैं। जो चीज़ बनाने ना आए
तो उसको क्या किया जाएगा? धीरे धीरे सीखेंगे बनाने का। और इसको बनाने का नहीं कारण ये भी है कि आटा जब उसको इतना बुनना पड़ता है ना तो पूरा फैलने लगता है सब जगह। तो ये छोटा सा अब यहाँ पर साफ सफाई करना पड़ता है, इसमें सोते हैं तो वो पूरा सब जगह बेकार है, गंदगी मुझे पसंद नहीं कसम से। इसलिए आटा रखे हैं, अगर यह है आटा दिखे नहीं थोड़ा सा, इसको हम दाल पिटरी बना के खा लेते हैं। कोई टेंशन नहीं, रोटी बनाएंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। नया चकला तभी हमारे गर्लफ्रेंड आ गई है आज के लिए, यही बना के खिलाएगी। देखिए भैया को आज हमको ये मिले हैं और हम लोग एक साथ आज खाना बना के खा रहे हैं। लेकिन इनका खाना में देखिए बीन्स का भुजिया में इतना मिर्चाई कौन डालता है यार? इतना मिर्चा कोई खाता है क्या? कैसे होगा भाई, इतना मिर्ची कैसे खाया जाएगा? ये ब्रो भुजिया में इतना मिर्ची जाएगा तो खाली भुजिया में मिर्ची आएगा मुंह में यार। आपको रहने देंगे, अलग से हम खाएंगे उसको। अलग से खाएगा? फ्राई कर रहे हैं क्या? हाँ वही फ्राई कर रहे हैं। एक ये है कि अपने फोन में भी दिए, देख भी नहीं सकते, ताक भी नहीं सकते, इतना भी। तो गाइस अभी रात का कितना बज रहा है? 12। ये दिखा रहे अभी हम 12 बज रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक हम खाना नहीं खाए, एक नींद सो भी लिए इतना ही छोटा जगह में, क्योंकि इधर मेरा भुजिया है बना के रखा हुआ है। ये बीम्स का भुजिया बना हुआ है और भाई हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे रोटी बनाने नहीं आता, सीखेंगे कल से रोटी का भी कोशिश करेंगे। और मैं सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो छोटा सा डालता हूँ। भाई के साथ मार्केट गया था, एक दोस्त मिला नया नया मधुबनी, हमारे बिहार के ही अलग के हैं, वो भी ट्रक लेकर आए हुए हैं। मैं उनके साथ मिला, वो भुजिया यहाँ पर बनाए और चले गए रोटी बनाने के लिए। पिछले 3 घंटा से भाई वो रोटी लेकर आ ही नहीं रहे। मैं मार्केट गया तो उन्हीं के साथ ये पूरा ये कल मैं इसका सब्जी बनाने वाला हूँ, इसका सोहिजन का, और ये सुबह नाश्ते के लिए हो गया और वो अभी तक नहीं आए। गजब यार, ऐसा कोई ऐसे इतना देर में कौन रोटी बनाता है यार? देखो कब से ये देखिए पिछले 5 घंटा से रोटी बना रहे थे। अभी रात का कितना बज गया है? 2। इतना भी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। 12 बज गया गाइस। और ये देखिए वो कहाँ छिप रहे गए? ये किधर है? यही भैया है जो हमको बोले थे कि आज मेरे तरफ से रोटी खाइए, आप सब दिन चावल खाते हैं। और इधर भुजिया बना के चले गए थे अभी रोटी बनाने के लिए। पूछो 5 घंटा से हम 2 बार सो के उठ गए, लेकिन इसका बनाना ना पड़ता है, रोटी को गोलियाना भी ना पड़ता है। हो भाई इनका रोटी फाइनली आ चुका है गाइस, वो नहीं खुलेगा, मैं ही खोलूंगा उसको। तो रोटी भाई आ चुका है, इंतजार कर रहे थे। बिहारी बाबू है, आ गया रोटी भाई, बहुत ही रोटी मास्टर, रोटी मास्टर। रोटी इतना देर से लेकर आए कि क्या बताएं, 5 घंटे में एक रोटी बन के आया है। देखते हैं रोटी कैसा है, डेंजरस रोटी है कि कैसा। खोल के देखिए, चेक करिए, नो प्रॉब्लम। वाह क्या प्रोटेक्शन के साथ रोटी लेकर आए हैं, पैक है वो, कि वो 3 दिन फेंक। ओ उसमें पानी है, इस पे डालिए यहाँ पर आप, डालिए 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 सीधा, देखिएगा मच्छर उच्छर ना मरा हो, दवा उसी में पीस पास ना दीजिएगा, पानी वानी देख कर फाड़ी देता हूँ यार। हाँ अपना शादी करेंगे ना तो आपको वीडियो बनाने के लिए बुलाएंगे। अरे ऑलरेडी भाई रोटी मस्त है ना, रोटी देखिए 1020 का रोटी है ये, 1020 का रोटी। 1020 मतलब आप लोग नहीं समझिएगा, हम लोग का गाड़ी का जो टायर है ना उसका नंबर है 1020, इतना बड़ा, इसीलिए रोटी को बोला जाता है 1020 रोटी। मतलब एक आदमी टायर भी नहीं उठा सकते, टायर भी नहीं उठा सकते, वैसे ही है एक रोटी। इतना रोटी आज खाने के लिए बनाए हैं, कल खाएंगे बच जाएगा तो परसों भी खाएंगे। तो भाई देख सकते हैं हमारा रोटी आ चुका है बनकर, नींद भी लगा हुआ है, भूख भी लगा हुआ है, अब नींद उड़ जाएगा, अब दोनों काम करना है, पर क्या करें, कल कल आपका चीज में लेंगे गाइस। हाँ 2 प्लेट होगा उसमें, एक और कहीं भी ले लेंगे हम, कैसे भी खा लेंगे, लेकिन खाएंगे, भूख लगा हुआ है भाई। आज वीडियो डाले कोई? डाले हुए हैं,
चेक नहीं किया है। रेस भैया तू पर है हाँ भाई मैं तो ठीक छे हाँ तो ठीक छे हाँ वही में दादी छे यस फॉलो मी वीडियो चालू है क्या यस सर तो उसको फास्ट करेंगे क्या बाद में भाई जनसंख्या ज़्यादा है और थाली कम है मैं इसमें भुजिया डाल के खाऊंगा चाहूँगा रोटी स्पोर्ट प्लेट लीजिए ठीक है बिहारी बाबू का रोटी लगाइए फटाफट डालिए भाई बहुत हो गया हमको बहुत जोर का भूख लगा हुआ है ये तो डाटा हम लगा ले हमें मोबाइल भी भूखा है डोंट ईट द फनी इनको लग रहा भूखे नहीं लगा अभी तक नहीं लगा क्या नहीं ऐसे भुकवाए हुए हैं लेकिन नींद तो लगा हुआ नींद तो पूरा लगा हुआ है आधा वो भी नहीं पूरा लग रहा है ये रोटी नहीं बना रहे थे बना आप रहे थे ना इसलिए ये अपना मजा मार रहे थे नींद में और क्या कर रहे इधर हम भी नींद मार रहे थे इधर 1020 रोटी बेलने के लिए दो दो आदमी चाहिए क्या ललका मिर्ची आपको दिया और दे नहीं अब नहीं चाहिए 1020 है 1020 का मतलब समझा दिए ना शुरू कीजिए 1020 का मतलब समझा दिए सबको ले ले हरी के नाम कर दे काम और कर दो पूरे रोटी के काम तो गाइस चलिए आप भी आइए लाइन नंबर में ये मेरा है हाँ ये आपका इतना है? अरे बाप रे इतना है उतना का पनिया दीजिए हो थोड़ा हाथ धोने के लिए नहीं पीने के लिए खाने से पहले पी लीजिएगा इतना से काम चलेगा चल जाएगा अंदर भींगा होना चाहिए नहीं तो चिपट जाएगा गेटवा बंद करिए भाई जी नहीं तो मच्छर आएगा अंदर पानी चाहिए भिगाना चाहिए नहीं तो फंस जाएगा गेटवा बंद कीजिए नहीं तो मच्छर आ जाएगा एक डायलॉग हो गया है खाइए खाइए शुरू कीजिए शुरू करिए अंतराक्षरी ले ले हरी का नाम नाना हरी का नाम फिर ना खाए टाइम में जय माँ जय माता दी इधर मेरा भी हो गया मिर्ची छूट गया मिर्ची तो भूल ही गया था आप मिर्ची सब कौन खा गया पता है ये अकेले खुद खा जाता है 20-20 मिर्ची खाता है भाई कल हरा मिर्ची 20 खा गया था नहीं नहीं हमको मिर्ची नहीं चाहिए भाई अच्छा रख दीजिए इधर रख दीजिए तो फाइनली मेरा खाना आ गया गाइस और हम लोग अपना खाना हजम भी कर रहे हैं बहुत टाइम मुश्किल के बाद कैसा लगा सब्जी सुपर टेस्ट भुजिया है वो सब्जी नहीं है अच्छे से सब्जी नहीं है भुजिया है तो फिर कैसे बोल दी सुपर टेस्ट आपने बिना कुछ सोचे समझे भुजिया को सब्जी तो फाइनली मेरा खाना हो चुका है और हमको अब सोने का टाइम हो गया और थोड़ा सोने के लिए मैं अपने बिस्तर को लो तुम फैले ये मेरा कंबल है जिसको मैं बिछाता भी हूँ ओढ़ भी लेता हूँ दोनों काम कर लेता हूँ इधर मेरा घर का दरवाज़ा है जिसे आप लोग कुंडी बंद करते हैं ना मैं भी करता हूँ ये मेरा दरवाज़ा हो गया बंद और इधर हो गया गुड नाइट सभी भाई को